हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने चैनल में लव फॉर गार्डन में। फ्रेंड्स, ये है नारियल का प्लांट है, कोकोनट प्लांट। आप मैक्सिमम लोग जानते हैं कि कोकोनट प्लांट्स को हमने सीजर से कट नहीं करना होता, ना को ब्लेड यूज़ करना होता, ना को कटर यूज़ करना होता है, क्योंकि जो इसकी टिप है वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है और वो बहुत जल्दी इस तरह ड्राई हो के इस तरह बेंड हो जाती है। अगर आप कटर यूज़ करेंगे तो यहाँ से फंगस स्टार्ट होगा जो प्लांट की बिल्कुल बॉटम तक जाएगा और आपका प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ये देख लें, यहाँ पे काफ़ी हद तक मैंने मेंटेन किया। इसकी जो एज है वो 7 मंथ्स का प्लांट है और जब भी आप इसको ग्रो करें इसका शेल हमेशा ऊपर रखना है और इस तरह सॉइल इर्द गिर्द रख देनी है। ये इसका वेब है, इसको जाला है, इसको भी आपने ब्रेक नहीं करना। अगर आपके साथ ये मसला हो जाए कि ये यहाँ से ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, देख लें थोड़ा थोड़ा सा, ये इसको पानी भी ज़्यादा देना होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देना कि ओवर वाटरिंग हो जाए। अगर ये इस तरह ड्राई होना शुरू हो जाए तो आप WD-40 लें, वो आप 3 लीटर या 1.5 लीटर पानी ले लें। 3 लीटर पानी में आपने इसका एक फुल स्प्रे करना है, WD-40 का स्प्रे करके तो आपने पूरे प्लांट को वॉश करना है, वहाँ से ज़रूर वॉश करना है जहाँ से ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया और जहाँ से ये ख़राब हो रहा है। ये देखें, और इसका ये जो जाला है और जो इसका ये शेल है इसके ऊपर मैक्सिमम आप करें, मतलब आप अगर 1.5 लीटर में एक स्प्रे कर रहे हैं तो आप 1.5 लीटर पानी स्प्रे भी कर दें और उसकी बॉटम रूट्स में भी फेंक दें। देखें, आप इस तरह करेंगे महीने में सिर्फ एक बार। ये जहाँ से बैंड है ना, बैंड यहाँ से ये खुद ब खुद टूट जाएगा और यहीं से पत्ते ने नई ग्रोथ स्टार्ट करनी है और इसको यहाँ से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक इसकी टिप है कि आपने इसको कैसे बचाना है। और कभी भी आपने कटर या सीजर कभी भी नारियल के प्लांट पर यूज़ नहीं करनी। ये डेट पाम की वराइट फैमिली होती है लेकिन दूसरे डेट पाम पे आप कटर और सीजर यूज़ कर सकते हैं, इस पर कभी भी यूज़ नहीं करना। अब मैं चाहता तो यहाँ से इसको काट भी सकता हूँ, कोई बुरा भी लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको एक दूसरा प्लांट दिखाता हूँ, ये देखें, इसका भी यहाँ से बैंड हो रहा है लेकिन ये देख लें, इसको मैंने एक बार स्प्रे किया था, देख लें इसमें कुछ काफ़ी हद तक ताकत आ गई है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, स्पेशली नारियल के पौधे के साथ WD-40 का ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करना। अगर ज़्यादा करेंगे तो पत्ते भी जल जाएंगे। 1.5 लीटर पानी में सिर्फ एक स्प्रे। एक स्प्रे का मतलब है कि आप इस तरह एक स्प्रे करें सिर्फ, बस आप एक बार ज़रूर अप्लाई करेंगे हमारी टिप। थैंक यू फ्रेंड्स।